प्राकृतिक विपर्ययर सम्मुखीन होइछि हिमाचल प्रदेश। बढ़ुछि मृत्यु संख्या, भुसुडुछि अनेक बड़ बड़ कोठा। प्राकृतिक विपर्यय जोगु सबुठी खाली ध्वंसस्तूप देखिबाकु मिलुछि। सप्ताह हेला राज्य में प्रबल वर्षा जारी रहिछि। यह जनजीवन को अस्तव्यस्त कर देछि। केउंठी भूस्खलन तो आउ केउंठी बन्यार करुण दृश्य देखिबाकु मिलुछि। एथिस लोके अनेक स्थान रे फसी रहिछंती। रास्ताघाट बंद रहिथिबारु जरूरी सामग्री जोगाण बाधाप्राप्त होइछि। खाद्य पदार्थ मध्य ठीक समय मिली पारु नाही। एनडीआरएफ एसडीआरएफ सहित सेना को उद्धार कार्य रे नियोजित करा जाइछि। एहा स हेलिकॉप्टर माध्यम रे लोकों को उद्धार करा जाउछि। लगाण वर्षा एवं बन्या जनित स्थिति को देखि संपूर्ण राज्य को प्राकृतिक विपर्यय प्रभावित अंचल घोषणा करा जाइछि। राज्य सरकार शुक्रवार विज्ञप्ति जारी करी एही सूचना दैछंती। चलित मौसमी ऋतुर 55 दिन में राज्य में 113 भूस्खलन होइछि। वर्षा एवं बन्या जनित घटना रे 330 लोकंकर मृत्यु होइछि। अन्य पक्षरे हिमाचल डे संभाव्य भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र 17,120 को वृद्धि पाई। 672 बस्ती एवं सिमलार अनेक सरकारी बासभवन यह कबल में रही। चलित वर्षा ऋतु में राज्य में 10,000 कोटी टंकार क्षयक्षति होइछि बोली अधिकारी माने सूचना दैछंती। यह मध्यरे छत्तीसगढ़ सरकार हिमाचल को 11 कोटी टंका सहायता देवे बोली घोषणा करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अड्डा ओडिशा।